अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये जो गाड़ी है इसमें प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी तो चल रहा है चाबी ऑन करने से, लेकिन इसका जो लाइट और हॉर्न है वो नहीं बज रहा है। तो एक बार देखिए, इसमें लाइट और जो हॉर्न है वो स्विच दबाने पे नहीं बज रहा है। तो गाड़ी वाले का कहना है कि इसमें कन्वर्टर 2-3 दिन के बाद ही ख़राब हो जाता है। तो चलिए पहले हम चेक करके देखते हैं कि इसका कन्वर्टर का ही फॉल्ट है कि दूसरा कुछ फॉल्ट है। कन्वर्टर ज़्यादा ख़राब होता है अगर वायरिंग शॉर्ट रहता है, तो अगर कहीं पे माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट कहीं पे टच हो जाता है तो उसका जो मॉस्फेट है वो ख़राब हो जाता है, या तो अगर 48 वोल्ट के साथ कहीं पे अटैच होने से उसका जो कैपेसिटर है वो ख़राब हो जाता है। तो आज हम इस डिवाइस से ही चेक करेंगे। ये डिवाइस जो है ये ऑल इन वन डिवाइस है, आप इसमें सब कुछ चेक कर सकते हो ई रिक्शा का। तो चलिए इसका जो माइनस पॉइंट है उसको हम डिवाइस का माइनस पॉइंट से लगा देंगे और बाकी जो 48 वोल्ट है उसको चेक करेंगे कि इसमें 48 वोल्ट कन्वर्टर में पहुंच रहा है कि नहीं। उधर चाबी ऑन है तो इसको डायरेक्ट ला के देखेंगे हम। तो देखिए इसका 48 वोल्ट जो है वो पूरा आ रहा है यहाँ पे। इसका जो LED है देखिए पूरा 48 वोल्ट तक LED जल रहा है इसमें। तो इसका मतलब है कि 48 वोल्ट इसमें सही से आ रहा है कन्वर्टर में। तो 12 वोल्ट के एक बार चेक कर लेते हैं। तो 12 वोल्ट वाला इसका पीला वाला वायर है, तो देखिए इसको थोड़ा जो टेप है उसको निकाल के देखते हैं लगा के। तो देखिए इसमें 12 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका कन्वर्टर ही ख़राब है। तो गाड़ी वाला बता रहा था कि कन्वर्टर को चेंज करके डायरेक्ट बैटरी से कर देने को, और बहुत सारे भाई लोग का कमेंट भी आता है कि सर हमको डायरेक्ट बैटरी से 12 वोल्ट किस तरह से मिलेगा, उस पर एक वीडियो बना के दिखाइए। तो आज ये वीडियो खास करके वो लोग के लिए ही। तो देखिए 48 वोल्ट में जब भी टच कर रहा हूँ तो पूरा LED ग्लो कर रहा है, लेकिन 12 वोल्ट वाले में ग्लो नहीं कर रहा है। तो इस डिवाइस से आप आसानी से सब कुछ चेक कर सकते हो। ई रिक्शा का मोटर कंट्रोलर, सेंसर, मोटर शॉट, एक्सेलेटर और वोल्टेज भी चेक कर सकते हो। तो अगर चाहिए तो मुझसे कॉन्टेक्ट करके ये वाला डिवाइस आप ले सकते हो। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि कहाँ पर कनेक्ट करना है 12 वोल्ट लेने के लिए बैटरी से। तो देखिए एक तरफ प्लस पॉइंट है जहाँ से 48 वोल्ट पीला बॉक्स में जाता है, और एक तरफ माइनस पॉइंट है बैटरी का जहाँ से माइनस पॉइंट पीला बॉक्स में जाता है। तो हमको क्या करना है, देखिए जिस तरफ माइनस पॉइंट है, देखिए अच्छी तरह से थोड़ा ध्यान से देखिए, जिस तरफ माइनस पॉइंट है उस तरफ का जो प्लस पॉइंट है, उस बैटरी का अपोजिट साइड में जो प्लस पॉइंट है वहाँ पर लगाना है, तो हमको 12 वोल्ट मिल जाएगा। देखिए तो देखिए ये वाला तीनों LED जो यहाँ पे 12 वोल्ट वाला LED है वो जलेगा, देखिए 12 वोल्ट तक। इस डिवाइस में सब कुछ लिखा भी रहता है कितने तक कितना वोल्ट मिलेगा आपको, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48 वोल्ट सब वहाँ पे दिया हुआ है। एक बैटरी, दो बैटरी नापने के लिए, और अगर डायरेक्ट इग्निशन वायर को मापने के लिए वहाँ पर 48 वोल्ट रहेगा, सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा आपको। तो देखिए जो कन्वर्टर से 12 वोल्ट वाला वायर है ये तो है 48 वोल्ट वाला और ये माइनस है, ठीक है। तो जो 12 वोल्ट पीला वाला वायर है उसको हम खोल लिए यहाँ से, तो कन्वर्टर से उसको खोल लिए। अब जो वायरिंग में देखिए 12 वोल्ट पीला वाला है उसके, उसको हमको एक वायर जोड़ना है, एक छोटा सा वायर का टुकड़ा जोड़ना है। और देखिए जिस बैटरी का माइनस पॉइंट पीला बॉक्स में जा रहा है उस बैटरी का ही अपोजिट साइड में जो पीला वाला है वहाँ पर लगाना है हमको 12 वोल्ट वाला वायर को, ठीक है। तो चलिए मैं 12 वोल्ट वाले वायर के साथ पहले एक दूसरा वायर जोड़ लेता हूँ, उसके बाद आपको लगा के भी दिखाते हैं। ये वीडियो जो भाई लोग कन्वर्टर का यूज़ नहीं करना चाहते वो लोग के लिए खास करके है, ताकि आपको माइनस पॉइंट कहीं से भी लेने की ज़रूरत ना हो, सिर्फ प्लस जो 12 वोल्ट का प्लस पॉइंट है उसको कन्वर्टर के वहाँ से खोल के सिर्फ एक वायर जोड़ के आप 12 वोल्ट आराम से ले सकते हो बैटरी से। तो देखिए मैं यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ, अब उसको 12 वोल्ट मिल गया। तो देखिए अब उस तरफ जो 48 वोल्ट वाला है और जो माइनस पॉइंट है उसमें हमें टेप मार देंगे, ताकि दोनों अगर आपस में टच होगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है वहाँ पे। और उसको इस तरह से ही रखेंगे क्योंकि अगर बाद में कभी कन्वर्टर लगाना चाहे गाड़ी वाले तो लगा सकता है, अभी तो लगा के फिर ख़राब हो जाएगा क्योंकि इसका वायरिंग जो है बहुत वो शॉर्ट है, वायरिंग बहुत वायर कटा हुआ है। तो अभी अगर लगाएगा तो फिर से ख़राब हो सकता है 2-3 दिन के बाद ही। इसको पूरा वायरिंग को खोल के अच्छी तरह से सफाई करके फिर कन्वर्टर लगाएगा तो चलेगा वो कन्वर्टर, नहीं तो अगर इस तरह से लगा के देंगे तो और 2-3 दिन चलने के बाद ख़राब हो सकता है फिर से। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कहाँ पे मैं लगाया, जिस बैटरी का माइनस पॉइंट पीला बॉक्स में जा रहा है उस साइड पर प्लस पॉइंट है और इस साइड पर माइनस पॉइंट है। तो माइनस पॉइंट जो पीला बॉक्स में जा रहा है उसका प्लस पॉइंट पर लगाना है उसी बैटरी का,
जो प्लस पॉइंट है उसमें लगाना है। तो आप चलिए देखते हैं चला के, तो देखिए आराम से चल रहा है अभी। तो आपको अगर वो वाला डिवाइस चाहिए तो मुझसे ले सकते हो, उसमें सब कुछ चेक कर सकते हो आप, ऑल इन वन डिवाइस है वो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।